प्रत्याशी प्रीति शर्मा मंच के पास पे अपना सही स्थान ग्रहण करें ताकि इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से शुरू करके बच्चों की जिंदगी में सुधार हो, आपके बच्चों की एजुकेशन में सुधार हो, महिलाएं जो मेरी आवाज सुन रही है मैं अनुरोध करता हूँ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। सामने में देख रहा हूँ कुछ महिलाएं आ रही है, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़कर निवेदन कर जोरदार ताली। तो यहां से मैं अपनी एक बात से इस कार्यक्रम को शुरू करता हूँ के आई है, इसी वजह से भारत में आज भी 85% महिला है वो दुखी है, लेकिन इस बार हालत करना है आपकी बेटी आपकी बहन ये आशीर्वाद लेने के लिए आई है कि इस बार पुरुष महिलाओं के कहने से मतदान करें ताकि महिलाओं का कष्ट दूर हो। तो मैं अपनी इस बात के साथ डॉक्टर दिलीप सिंह जी को एक महान व्यक्तित्व के धनी है उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो आपको थोड़े से समय में कुछ समझाना चाहते हैं। दिलीप सिंह जी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे आप लोग। पहले तो गुरुदेव रे चरणों में वंदन करते हुए आज हमने मंचासीन अतिथि गांव रमाइन पदरोड़ा विधानसभा प्रत्याशी स्वतंत्र बहन प्रीति शर्मा जी और हमने समाज सेवी आदरणीय जुगल किशोर जी तावणिया साहब कृष्णा राम जी के पुत्र सोनू जी जाड़ीवाल और अपने पार्षद सोन जी ओझा एवं जिज्ञासु सिद्ध एवं और सामने विराजमान देवतुल्य मेरे कार्यकर्ता बंधु और माता शक्ति अब इंद्र देव भी देखो खुश होगी खुश होगी। तो आज हमपा खाली बात करने वास्ते आया है कि नेता तो घना आए भाषण देने वास्ते हमपा तो खाली बात करने वास्ते आया सीधा पहली बार हमने विधानसभा रमाई ने कोई मात्र शक्ति इतनी हिम्मत करी है विधानसभा रमाई ने खड़ी होने वास्ते और वो जो को चुनाव है वो धर्म युद्ध है एक तरीका अन्याय रे विरुद्ध लड़न वास्ते धर्म युद्ध है वो चुनाव और हकीकत रे मैंने आपने मैं बताऊं आप पिछले 10-15 गांव जान आया तो इतो प्रेम और स्नेह मिल रही है जकारी कोई सीमा नहीं। पहला तो लोग सोच रहा था कि 15-20-30 हजार वोट ले जाए अब आने लाग रही है कि आप तो निकल रही है आगे हर तरीका अटकन अपना रही है आप न्यूज व्हाट्सएप सब देख रही हो बहुत तगड़ा तरीका माहौल है आपने अब आप सब ने एक जुट हो पहला इस व्यक्तित्व ने आपने साथ देने है जो को कोरोना काल रामायण अपनी दिन रात सम्मास भी टाइम कोई पद को नहीं है कोई विधायक है मैंने कहीं नहीं है अपने खुद रहे पैसों गांव गांव जार बहुत मेहनत करी हर व्यक्ति तक पहुंचा राशन किट दे इस व्यक्ति ने आप विधायक बनाए हो तो 100% वो आदमी आपने भलाई कर सी और आप प्रत्याशी है जी आप ससुर जी है जुगल किशोर जी और आप प्रत्याशी है बहन प्रीति आप वेल एजुकेटेड बहुत शिक्षित एमकॉम करोड़ी है आप पढ़े लिखे विधानसभा रे मायने जाए तो आपने क्षेत्र नो भी विकास उसे तो इस वास्ते इस बार आप हाथ जोड़ विनती है आप वो मातृशक्ति खासकर मातृशक्ति अब देखो लाडली वार कही हुई हो के पिछड़ो चुनाव तो थे सब गुजरो कहो के भाई कृष्णा राम मारो आदमी है पुरानो आदमी है महाराज जन जिता दियो थे लालनिवार युवा शक्ति की के एकड़ एकड़ तो थे बापू रुको थे एकड़ एकड़ मारे सा गाओ थे जब लालनिवार विवाह कर दियो अब कह मात्र शक्ति इतनी बैठी है अब के बार आप रे आवाज बुलंद करनी है अब की बार घरे जा आप सबने कह रहे हैं मैं थारे लारे घना चल गया लेकिन इस बार मारी बात माननी है इस बार प्रीति शर्मा ने विजय करनी है और सब मात्र शक्ति ने साथ ए तो रही सी थारे बिना इकट्ठो आसी और कठे जासी घर तो शाम ने जाना ही पड़े तो इस वास्ते आपने
एकदम दृढ़ निश्चित कर आपने प्रीति शर्मा सगड़ा ने बनना है और भारी मताओं आपने प्रीति शर्मा ने विधानसभा पहुंचाना है और पूरे जका बंबूल यार सब खत्म हो गया है। एक तरफा श्री डूंगरगढ़ शहर चल रही है, ग्रामीण क्षेत्र में गया तो प्रेम और स्नेह मिल रही है जो को जकारी कोई सीमा नहीं। इस वास्ते अब की बार बैन ने जिताओ है, ये जगह अंपायर ऊपर बैठे है, अंपायर बैठा 5 साल जगह खूब धरनो प्रदर्शन और खूब करियो, तो खूब करियो लाली सर। ई 5 साल कोई करियो किसान कितना दुखी है, जकर मूंगफली तुलाई वास्ते जावे तो 5,000-10,000 देना पड़े, कि लाइट रो फीटर रो इन बिना सेट कराना हुआ तो देना पड़े, हर चीज रो पैसा देना पड़े और लाइट पे वो भाई के हुआ अभी छ दुखी तो हाँ पा सगड़ा देख लिया सगड़ा नाम पा देखा को नहीं देखा। और जका टिकट लेर प्रत्याशी आया बे तो अब के वे के मैं तो गयो बे हकीकत रे मैं ना के रही है मैं तो गयो ही नाम तो ठीक रे तो खड़ो ही नहीं हूं तो आ बात अब क्योंकि आप भीड़ आप लोगों रो प्यार और स्नेह देख रही है। और आज दूसरी बात आपने बताऊं कि एक स्वतंत्रता सेनानी जो को अंग्रेजा ने बारह खदेड़ा बारी पुत्री है बेटी है जो को ये वास्ते है और ब्राह्मण री बेटी हो रहे साथ है और मात्र शक्ति है ममतारी एक तरीका ममता रूपी मां सरस्वती रो रूप हुआ। ई वास्ते सगड़ा ने ई बार आप रो दान सब बड़ो दान मतदान आपने देवण बहन ने चिंतन मनन करना है, लाल लाल सगड़ा एम एल ए ने याद करना है, आपने आम ही जीदार नहीं सोचना है की भी आपने चिंतन मनन करने है घरे जार के ई बार एक शिक्षित ब्राह्मण री बेटी और एक मात्र शक्ति पहली बार क्षेत्र रमाई ने मार्ग नो दान मानने आया है। ई वास्ता में दोनों हाथों खोल और वो दान ई बार बेटी ने दिया आप सगड़ा ने उत्तर ले रहे ध्यान रखे दयो कौन दयो बताओ मैंने दयो हगड़ा पक्के बात भारत खड़ा कर एक और भारत बाजारी से बोल रहे मैं समझ जो हगड़ा दे भारत माता की हगड़ा दो सर धन्यवाद। आप कभी भी ये कंपेयर करके देखो आपका वोट आपका मतदान एक बरस मणि है जिसको लेकर के कितने आम आदमी बड़े बड़े अमीर बन गए अपने महल बना लिए गाड़ियां ले रखी लेकिन आपकी प्रोग्रेस आज भी जीरो पर। आप कंपेयर करके देखो जिसको ये बरस मणि आपने दी है उसकी क्या कंडीशन है और आपकी क्या कंडीशन है और उनसे पूछना चाहिए। हम 100 रुपए का सामान लेकर आते तब भी उससे रसीद लेते हैं पूछते हैं ये काम करेगी कि नहीं करेगी, चावल के अंदर कंकर तो मिले नहीं है। और ये बरस मणि जिसने कितने सड़क से आप लोगों को अमीर बना दिया आप लोगों ने ये मतदान देखे क्योंकि आपने कभी उससे पूछा नहीं कि आप आने वाले 5 साल हमारे लिए क्या करोगे, किसान के विकास के लिए क्या करोगे, बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, महिलाओं के दुख के लिए क्या करोगे। वो मतदान देते वक्त मोर लगाते वक्त आपने कभी सोचा नहीं, इस बार सोचना है। मैंने प्रीति शर्मा से कहा बेटा तेरे पास तो भगवान का दिया है सब कुछ है, कुछ है राजाओं जैसी जिंदगी जी रही है। उन्होंने जो एक बात कही जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ आप सुनते हो मुझे पूरा विश्वास है महिला शक्ति जरूर तालियां बजाएगी। उन्होंने कहा सर मैं तब तक सुखी नहीं हो सकती जब तक प्रत्येक महिला के मैं आंसू नहीं पहुंच देती, मैं तब तक मुझे खुशी नहीं होगी जब तक मैं अपनी प्रत्येक बहन का कष्ट दूर नहीं कर दूंगी और मुझे तब तक खुशी नहीं होगी जब तक महिलाओं के उनके सारे अधिकार नहीं मिल जाते। और इस बार मैं गुजारिश करता हूँ रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से इस बार महिलाओं को ये इख्तियार दो, आज तक एक सारी महिलाएं हर घर में पुरुषों को कहने से पुरुषों को मतदान देकर आइए, इस बार इस गांव में ऐसा होना चाहिए कि इन महिलाओं के कहने से आप सारे पुरुष एक महिला को वोट दो। भले सिंह जी को मैं बुलाना चाहूंगा अच्छे के साथ विनोद सिंह जी तालियों से स्वागत करें। राम राम साहब आज आपके सामने हमारी न्यू युग विधानसभा प्रत्याशी प्रीति शर्मा आपने मैदान में आई है। देखो एक और जात को कितनी बड़ी हिम्मत की है इसने, अपने को इनका सहयोग करना भी चाहिए क्योंकि 1952 से लेकर आज तक किसी औरत ने अपने यहाँ प्रत्यक्ष पड़ा नहीं रखा है, ये पहली औरत है और ये बहुत ही शिक्षित औरत है, इसका अपने सम्मान करके इनको वोट देना चाहिए। ये ब्राह्मण की लड़की है, ये बहन है, ये माताएं बैठी है, ये भक्त प्रवलिया करे साधना में चार चारा में कह भाई ब्राह्मणी बेटी लो
अनुकूल कर सके। तो आज आपके सामने घर बैठे इनके आपा की है दानपुर में मांगे तो एक टिक्की मांगे आपा टिक्की दशा तो आप ही जिंदगी पर आप याद रख सीखे कि कोई भी इंसान आज का मन टिक्की देगा कि विधानसभा बन सही। बाकी एक मैं आप ऐसा वादा करूं लड़की शिक्षित है ऐसी है विधानसभा में दूर तीन लोग को बता दे आप टिक्की दे भेजे सको और विकास ही गंगा बुरा दोषी क्यों शिक्षित लड़की है इसके घर में कोई इसी प्रकार कोई कमी नहीं है धन की कमी नहीं है इसका तो एक ही वादा है कि हमारे पिताजी दादाजी सर्वोत्तम संघर्ष से इसलिए मैं भी जनता की सेवा करूं और मैं इतनी जरूरत है इसको। और वैसे तो ये डायरेक्टर साहब जानने हैं कि कितने प्रत्याशी पीछे बड़े हैं एमएलए बड़े हैं और पीछे हमारे मन थोड़ा भी बहुत फिरा क्यों माउंटेन तक मोटरिस्ट मात्र मगर ध्यान है क्यों गिरदार सर्कल है जो कि एक सालो एमएलए साहब ने जी दूसरा सरसा गया जबकि पार्ट रूर जवा 15 मिनट लग गया दूसरा सरसा वहां पूरा दिन लग गया वे 52 दिन तक संघर्ष करो जब वो गिरदार सर्कल पाछो की है कि डूंगर में शामिल हो और मेरी मांग की है कि मदद करी राजेंद्र राठौड़ एज ए प्रस्ताव लियो मैं प्रस्ताव ले गया विधानसभा में पुटअप करो विधानसभा में पुटअप करो जबकि वापिस मिल गई तो ये प्रकार उनकी एक मैं आशा करूं पहला इनका सोच यही है कि किसानों के प्रति मैं जागरूक रहूंगी पूरी क्योंकि किसान है कितनी जमीन को चीर कर अन्न भूख जाता है उससे किसानों को क्या क्या फायदा कुछ नहीं मिलता है क्यों किसान को तो बराबर रहना पड़ता है इसलिए मेरे किसान दुखी है इसलिए मैं किसानों की सबसे पहले पैरवाई करूंगी और जो फसल खाबा बीमा मिलता है वो चूरू जिलों को मिलता है यानवर को नहीं मिलता है भाई अपने आदमी ऐसा जनपति नहीं है वो क्या अग्रणी करने वाला नहीं है इसलिए नहीं मिलता है। क्या पहला मुद्दा मेरा ये होगा मैं किसानों को फायदा दिलाऊंगा जितनी हो सुविधा है सरकार की वो दिलाऊंगा। जय आइए हम आपकी उस बेटी आपकी उस बहन से सुनते हैं कि वो आपसे क्या आशीर्वाद लेने आई और क्या करना चाहती है। जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका प्रीति शर्मा। सबसे पहला तो मैं प्रणाम करूं सब जगह बुजुर्ग मारा माता पिता समान आया सब जना मार बहने आई मार भाई बंधु आया और धन्यवाद आभार व्यक्त करूं सबरो की थे थारो एक कीमती समय निकाल अठाया बात सुनने वास्ते और मैंने अभी आगे आशा भी जैसे के थे आगे एक मौको मन जरूर दे सो थारी बेटी हूँ और थारी बहू हूँ अठे डूंगरगढ़ री बेटी बहू हूँ और जेता सरी बेटी हूँ अब थे बेटी समझिया बहू समझिया एक वोट मैंने देने है एक भरोसो थाने दिखाड़ो है थे हमेशा आदमी पर भरोसो कर देखे हो कहीं हुई हो 75 साल में इन कहीं हुई हो कहीं को नहीं हो एक महिला शक्ति री थे ताकत एक बार जरूर देखियो मैंने बस जनता री सेवा करनी है मारे कन्नू थारी आशीर्वाद हूँ भगवान री आशीर्वाद हूँ सब कुछ है सिर्फ मन जनता रो दुख कौन देखी जाए अब जनता रो दुख मैं देख कौन सका नहीं इस वास्ते मैं मैदान में आया कि मैं जनता रो दुख दूर कर सका मारे कन्नू जितो भी हो मैं पूरी कोशिश करूँ क्योंकि थे अगर मन आगे भेजो तो मैं थाने का दिल लारे पाछू थाने कौन देखना पड़े कि मैं वोट दियो तो किने दियो था आगे आगे जा सो अपन गाँव में जो आगे आगे जाए मैं कूड़ा वादा कर दे कि हाँ अनुभव हाँ माने तो सालारो अनुभव है आ तो आज ही आई है आ कहीं कर सके तो खाली बोल दू सब कुछ को नहीं हुए नहीं दे हाँ जरूर मर बोलने मायने बे जरूर जीत सके क्योंकि हाँ मैं वो सुविधा करा दा सड़कियां बना दा बे तो हर साल वादो करी सड़कियां बनावा पानी लावा बिजली लावा किसान भाई यार सेवा करा लेकिन बे करे को नहीं कहीं करियो इतना साल मायने 5 साल हम करियो कहीं करियो कौन करियो नहीं देखो और मैं सबसे धन्यवाद ना कोई जात है ना पात है पर इंसान हरी बराउड़ी एक जात कभी हुए को नहीं जात अगर हुए तो सबसे बड़ी हुए किसान जात किसान है जब इंसान है अगर किसान ही नहीं हो जाना आपका इंसान की भी जिंदा रह सा पानी पीने से कोई जिंदा रहे तो खाने में रही अनाज भी रह से जो मैं थाने वही बोलू कि किसान आंदोलन दादू जी पर दादू जी जगह सोटलन था सेनानी है देख दूध का खारा आंदोलन था लोग तो छालो कौन देखो मन तो थोड़ो किताबें हम पटोड़ी हूँ थोड़ो दादी जी और सुनेड़ी हूँ जरा मैंने थोड़ो ध्यान है कि हाँ बे लोग यहाँ करिया लेकिन थारो का तो ध्यान है कि बे कहीं कहीं करिया तो मैं बारी बेटी हूँ बारी पोती हूँ एक मौका मन जरूर दिया थाने का दिल आ रहा पाछो देखने पड़े कौन बस एक मौका मन जरूर दिया धन्यवाद। धन्यवाद भारत माता की भारत माता की प्रीति शर्मा
हेलो ओ भाई साइड में कैमरा भाई हेलो और ये कौन है भाई साइड में लोग कौन है भाई अरे प्रीति तुम संन्यास करो अरे इन्हें नहीं सुनो इन्हें लार देखो प्रीति तुम संन्यास करो हम तुम्हारे साथ हैं अब देखो मेरे को जो देनी पड़ी और चले Thank you.